आज हम विनायक चोटी का स्पेशल रेसिपी स्वीट कुडमलू देखेंगे ये स्वीट कुडम्लु आंध्र स्पेशल रेसिपी है इसको बेलम कुर्मलु बोलते हैं इसके लिए हम पहले एक पैन गरम करेंगे पैन में आधी चम्मच घी डालेंगे आधी चम्मच घी डालने के बाद उसमें चना डाल पहले से भिगाए सो चने डाल, आधी कप चने दाल भिगाए सो है सो पहले से आधे कप चने दाल को भिगा के रखना अब यह घी में ये चने दाल डालेंगे ऐसा ऐसा चने दाल डालने के बाद तीन कप पानी डालेंगे इसमें हम एक कप राइस रवा ले लेंगे इसलिए तीन कप पानी डालेंगे इसको बॉईल करिए बॉईल होने के बाद इसमें एक कप चावल के रवा डालेंगे रवा भी डाल सकते हैं या आटा भी डाल सकते हैं ऐसा रवा डाल के अच्छे से ऐसा हिलाइए हिलाने के बाद अब इसमें तीन पाव कप गुड़ डालेंगे जाजरे डालेंगे जाजरे ऐसा डाल के मिक्स करिए मिक्स करने के बाद आधे कप कोपरे का पाउडर डालेंगे फ्रेश कोपरे का पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो ड्राई कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं आधी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे अच्छे से मिक्स करिए और ढक्कन से बंद करके एक दस मिनट पकाइए दस मिनट पकने के बाद स्टव ऑफ करके एक दस मिनट बाजू रखेंगे उसके बाद ऐसा ढक्कन निकाल के देखे तो ऐसा पक गई हमारा रेसिपी अब इसको थोड़ा वार्म करिए वार्म होने के बाद हाथ पानी में डुबा के ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे ऐसा नींबू की साइज के बॉल्स बनाएंगे ऐसा पूरा बॉल्स बना के इसको आप इडली कुकर में कुक करेंगे ऐसा इडली की प्लेट में ऐसा इडली को इडलियों की जैसा भी प्रेस करके रख सकते हैं तो राउंड बॉल्स भी बना सकते हैं ऐसा बना के आप इडली कुकर में रख के एक दस टू पंद्रह मिनट कुक करेंगे ऐसा कुक होने के बाद हमारा कुडमलू रेडी हो गए हैं स्वीट कुंडमलू अब इसको प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे ये है हमारा फेस्टिवल स्पेशल स्वीट कुडमलो रेसिपी ये वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय